देश में लगातार एक्टिव केसेस की संख्या भी घटती जा रही है। देश में कुल एक्टिव केसेस का 67% पांच राज्यों से कंट्रीब्यूट हुआ है। 9 राज्यों में अब भी 22% एक्टिव केस मौजूद हैं और देश में कुल 16,31,000 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। सिर्फ 3 राज्यों में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित बताए जा रहे हैं। ये अलग अलग डेटा देश में लगातार घट रहे एक्टिव केसेस की संख्या को लेकर है और साथ ही जो मौत के आंकड़े राज्यों में सामने आ रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं आंकड़े। लेकिन लगातार दूसरे दिन ऐसा रहा है पूरे देश भर में, जहां 3,000 से कम मौत हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या भी घट रही है। चलिए आपको जल्दी से अब एक्टिव केसेस देश में कहां कहां पर कैसे घट रहे हैं राज्य वाइज ये आंकड़ा बिग वॉल ग्राफिक के जरिए हम दिखा देते हैं। सबसे पहले 2 लाख से अधिक एक्टिव केस कहां पर हैं, उसमें पहला नंबर महाराष्ट्र का है। जब हमने आपको मौत के आंकड़े दिखाए 100 से ऊपर के, तो उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। महाराष्ट्र में जो एक्टिव केसेस हैं वो 2,04,974 हैं। इसके बाद कर्नाटक में एक्टिव केसेस की संख्या 2,86,798 है। उसके बाद तमिलनाडु का आंकड़ा आप देख रहे हैं 2,80,426 एक्टिव केसेस हैं। और अगर आप इन 3 राज्यों को देखेंगे तो इन्हीं में एक्टिव केसेस की संख्या कुल मिला के 7,72,198 आती है। तो एक तरफ एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन यही 3 राज्य हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि एक्टिव केस कैसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब 1 लाख से अधिक एक्टिव केस कहां पर है वो भी आप देख लीजिए। केरल में यहां पर नाम आ रहा है। केरल में 1,84,644 एक्टिव केसेस हैं। आंध्र प्रदेश में 1,38,912 एक्टिव केसेस हैं और कुल इनका 3,23,556। यानी कि ये 2 राज्य जहां 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस, कुल केसेस 3,23,556 और यहां पर 2 लाख एक्टिव केसेस, इन 3 राज्यों का कुल 7,72,198। तो अगर आप इन दोनों आंकड़ों को मिला लेंगे तो 10 लाख से ज्यादा ये नंबर्स हो जाते हैं एक्टिव केसेस के लिहाज से। ये 5 राज्य जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 50,000 से अधिक केसेस कहां पर हैं उसकी जानकारी भी आप ले लीजिए, ताकि राज्यों का हाल क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। बंगाल में 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस है। 61,780 एक्टिव केसेस बंगाल में हैं। ओडिशा में ये आंकड़ा 74,989 का है। असम में एक्टिव केसेस की संख्या 50,534 है। इन 3 राज्यों का अगर आप टोटल करेंगे 1,87,303 एक्टिव केसेस इन 3 राज्यों में समझ में आ रहे हैं। अब 50,000 से आगे बढ़ जाते हैं, 25,000 से अधिक एक्टिव केसेस कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जहां पर 25,546 एक्टिव केसेस हैं। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 29,378 का नजर आ रहा है। राजस्थान में 27,408 एक्टिव केसेस की संख्या बताई जा रही है। तेलंगाना में 32,579 एक्टिव केसेस हैं और पंजाब में 28,673 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 30,657 का है। तो अगर आप इनका कुल आंकड़ा देखेंगे, जहां 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, 6 राज्य, कुल आंकड़ा है 1,74,241 का। तो इससे आपको समझ में आएगा वो कौन कौन से राज्य जहां पर 100 से अधिक एक्टिव केसेस, 50 से अधिक एक्टिव केसेस, 1,000 से और 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये पूरे देश भर की स्थिति एक्टिव केसेस के लिहाज से इस वक्त देश में बनी हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।